हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी, नीट स्कॉलर्स और क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में सेक्स लिंक इनहेरिटेंस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। टॉपिक नाम क्या है? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ओके, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए आप, आज हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर। जब जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटरी कैरेक्टर का ट्रांसफर कहलाता है इनहेरिटेंस। उससे पहले दो वर्ड लगेंगे, सेक्स लिंक। सेक्स का मतलब यहां पे है सेक्स क्रोमोसोम से, लिंक मींस माने अटैच, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से है ना कुछ कैरेक्टर अटैच हो रहे हैं और फिर वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अभी देखिए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है ना। सेक्स का मतलब क्या है? सेक्स क्रोमोसोम से, मींस एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम से। लिंक माने होता है अटैच, मतलब कुछ कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम से अटैच हो रहे हैं, मतलब वो कैरेक्टर जो कि सेक्स कैरेक्टर नहीं है वो सेक्स क्रोमोसोम से अटैच हुए और उसके बाद पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो जो कैरेक्टर है ना इस मेथड से ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर और उनके इनहेरिटेंस को कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। मतलब देखिए ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है तो वो कैरेक्टर जो इस तरह से सेक्स क्रोमोसोम से अटैच होते हैं लेकिन वो सोमेटिक हैं उसे कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखिए आप समझिए, ह्यूमन में दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, एक है ऑटोसोम और एक है एलोसोम। एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और इन्हें हम सोमेटिक क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए ऑटोसोम को सोमेटिक क्रोमोसोम, एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब ह्यूमन में दो तरह के कैरेक्टर हैं, एक है सेक्स कैरेक्टर जो मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं, एक कैरेक्टर है सोमेटिक कैरेक्टर। सोमेटिक कैरेक्टर, देखिए सोमेटिक कैरेक्टर मेल फीमेल के कॉमन होते हैं, जैसे फोर फिंगर है ना, ये कॉमन कैरेक्टर है मेल फीमेल दोनों लोगों का। तो जो सोमेटिक कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड थ्रू ऑटोसोम, और सेक्स कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में दो तरह कैरेक्टर हो गए, एक सोमेटिक कैरेक्टर है एक सेक्स कैरेक्टर है। सेक्स कैरेक्टर मेल फीमेल का अलग अलग होते हैं ना, जैसे मैन में दाढ़ी का होना बियर्ड दाढ़ी ये मैन का कैरेक्टर है, ये सेक्स कैरेक्टर हो गया। टेस्टिस सेक्स कैरेक्टर है, ओवरी सेक्स कैरेक्टर है, ओवरी किस्म होगी फीमेल में और ये कैरेक्टर किसके थ्रू ट्रांसफर होगा सेक्स क्रोमोसोम्स के। ठीक है, टेस्टिस मैन में ये कैरेक्टर ट्रांसफर होगा सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। ठीक है, लेकिन फोर फिंगर एक तो मोटा होता है ना, तो फोर फिंगर ये सोमेटिक कैरेक्टर है, ये ट्रांसफर होता है ऑटोसोम के थ्रू। तो सोमेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू ऑटोसोम, सेक्स कैरेक्टर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू सेक्स क्रोमोसोम। अब ध्यान सुनिए, कुछ सोमेटिक कैरेक्टर ऐसे हैं
कुछ सोमेटिक फैक्टर ऐसे हैं जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर है और इनके ही साथ वो ट्रांसफर भी होते हैं अगले जनरेशन में, तो उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन से हैं? देखिए सोमेटिक, ये कैरेक्टर बनाया मैंने, देखिए समझाने के लिए ये कौन से कैरेक्टर है, सोमेटिक कैरेक्टर, ये सोमेटिक कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट। इनके जो जीन्स हैं, देखिए इनके क्या ये जीन्स, इनके जीन्स, ये मैंने इनके जीन्स बनाए किस पे आ गए, सेक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, और इनके साथ इनहेरिट करते हैं, मतलब ये कैरेक्टर जो है इनके साथ अगली जनरेशन में जाता है। जैसे मैंने बनाया, देखो ये है एक्स क्रोमोसोम और ये है वाई क्रोमोसोम, तो इसके मान लो ये जीन्स हैं, ये जीन्स कौन से हैं, सोमेटिक कैरेक्टर के, ये सोमेटिक कैरेक्टर के जीन्स हैं, ठीक है, ये जीन्स यहां पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे और इसकी थ्रू ये इनहेरिटेड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में इनके थ्रू इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में इनके थ्रू इनहेरिटेड। तो जीन किसका है, सोमेटिक कैरेक्टर, क्रोमोसोम कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो सेक्स क्रोमोसोम ही है, ये सेक्स क्रोमोसोम से, तो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू, सेक्स क्रोमोसोम से थ्रू है ना ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जा रहे हैं, तब इन कैरेक्टर को कहते हैं हम सेक्स लिंक कैरेक्टर, है ना। तो देखिए सोमेटिक जीन है, जीन कैसा है, सोमेटिक जीन, ठीक है, और क्रोमोसोम कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, जीन सोमेटिक है, इसके थ्रू इनहेरिटेड हो रहा है ना, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू इनहेरिटेड हो रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर और इनहेरिटेंस कहेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स होता है एक वाई होता है, वोमेन में दोनों एक्स हैं, मैन में एक्स वाई है, तो एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर, वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है, X सेक्स लिंक कैरेक्टर या फिर हो जाएगा Y सेक्स लिंक कैरेक्टर, ओके। तो इसकी स्टेडियम करते हैं, तो देखें वो जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के है ना, सोमेटिक कैरेक्टर के वो जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के है ना नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर या होमोलोगस सेगमेंट पर पाए जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ इनहेरिटेड होते हैं, उन्हें हम सेक्स लिंक कैरेक्टर कहते हैं। जीन्स ऑफ फ्यू सोमेटिक कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन, जीन्स ऑफ फ्यू सोमेटिक कैरेक्टर, जीन्स ऑफ फ्यू सोमेटिक कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस और नॉन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड आल्सो इनहेरिटेड बाय देम कॉल्ड सेक्स लिंक कैरेक्टर एंड देयर इनहेरिटेंस इज नोन एज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ओके। अब ये दो तरीके, देखिए पहला कौन सा क्या, एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर, ठीक है, एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर, एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर कौन से हैं, मतलब जीन्स ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर लोकेटेड ऑन होमोलोगस, सॉरी जीन्स ऑफ फ्यू सोमेटिक कैरेक्टर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस सेगमेंट, नॉन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स and also inherited by them called sex X sex link character, these are recessive, देखिए कुछ somatic character के genes X sex chromosomes के non homologous segment पर होते हैं, non homologous segment पर होते हैं और X sex chromosomes के द्वारा अगली generation में inherited होते हैं, तो इन्हें हम X sex chromosomes, तो इन्हें हम कहते हैं एक्स सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं और इनके इनहेरिटेंस कहते हैं एक्स सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है।
ये कैरेक्टर कभी खत्म नहीं होते क्योंकि ये नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर है और नॉन होमोलोगस सेगमेंट में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है। इसलिए एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होते रहते हैं, ठीक है। एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस क्या कहते हैं, एक्स सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। आपके सिलेबस में एक कलर ब्लाइंडनेस है, एक हीमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस में है ना, कलर ब्लाइंडनेस में ना रेड ग्रीन कलर अगर मिक्स कर दिया जाए तो दिखाई नहीं देता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो सोमेटिक है और लोकेटेड होता है एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर और एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा इनहेरिटेड भी होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तीन तरह की है, प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया में कहते हैं रेड कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूट्रोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और ट्राइटोनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। एक है रेड कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं प्रोटोनोपिया, एक है ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं ड्यूट्रोनोपिया और तीसरी है ना ब्लू कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं हम ट्राइटोनोपिया, ठीक है। प्रोटोनोपिया, ड्यूट्रोनोपिया और ट्राइटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया मीन्स है ना ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस जीन कैसा है, रिसेसिव है और कलर ब्लाइंडनेस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को भी शो करता है। मतलब एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर शो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्स सेक्स लिंक कैरेक्टर शो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये होता है कि फादर से कलर ब्लाइंड जीन उसकी डॉटर में गया और डॉटर से कलर ब्लाइंड जीन उसके सन में गया, है ना। मतलब फादर से ग्रांड सन में कलर ब्लाइंडनेस का जीन उसकी डॉटर के थ्रू जाता है तो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कलर ब्लाइंडनेस है ना मैन में लगभग 8% होती है और फीमेल में है ना 0.4% कलर ब्लाइंडनेस रिपोर्ट की गई है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस की मेन में फ्रीक्वेंसी कितनी 8% है और फीमेल में 0.4% है। कलर ब्लाइंडनेस के जीन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रिसेसिव है। देख समझिए आप, देखिए वुमेन एक्स एक्स जी एक्स एक्स क्रोमोसोम में सी क्या है, कलर ब्लाइंड का जीन है जो कैसा है रिसेसिव। जब ये रिसेसिव है तो ये गर्ल्स कैसी होगी, कैरियर गर्ल होगी। ये गर्ल्स कैसी होगी, कैरियर, है ना। तो ये गर्ल्स होगी कैरियर गर्ल होगी, कैरियर गर्ल। अगर एक्स एक्स दोनों पर आ जाइए तभी हो जाएगी कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड गर्ल, तभी कलर ब्लाइंड होगी। एक्स वाई इस पे एक बार है तो ये होगा कलर ब्लाइंड बॉय। देखिए ये कलर ब्लाइंड बॉय है, ये कलर ब्लाइंड कैरियर गर्ल है। कैरियर गर्ल उसे कहते हैं जो कैरेक्टर को कैरी कर रही है लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं है, केवल अगली जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है, इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव है और ये क्या है, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट है इसलिए इसका नॉर्मल विजन है। देखिए बॉय में क्या होता है, एक्स वाई हम लिखते साथ साथ हैं लेकिन साथ साथ होते नहीं है, वाई अलग है एक्स अलग है। और जब एक्स अकेला है और उस पर कलर ब्लाइंड का जीन है वो रिसेसिव और डोमिनेंट उसका इफेक्ट तो आ जाएगा ना, ठीक है। एक्स वाई साथ साथ नहीं होते हैं, ये अलग अलग रूप में हम लिखते हैं साथ साथ इनको, ठीक है। और जब एक्स अकेला है ना तो ये कलर ब्लाइंड को शो करेगा। जैसे हम सीधे देखें एक्स सी, इसका फिनोटाइप क्या होगा, कलर ब्लाइंड, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखें एक्स सी एक्स तो ये कैरियर हो गया क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है ना, तो ये कैरियर हो जाएगा, ओके। तो कलर ब्लाइंडनेस में है ना
रेड ब्लू ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस तीन तरह की है, प्रोटोनोपिया, ड्यूटोनोपिया और ट्राइटोनोपिया। ठीक है, मैन में कितना परसेंट है? मैन मेल में ये 8% है और फीमेल में 0.4% है। इसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैन कलर ब्लाइंड एक्स वाई, मैन कैसा है? कलर ब्लाइंड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीबी, सी बी मतलब कलर ब्लाइंड। वो मैन है ना, देखिए वो मैन कैरियर है, वोमेन कैसे हो गई? कैरियर। ठीक है, हेट्रोजाइगस, ये वोमेन कैसी? कैरियर और हेट्रोजाइगस। इसमें कलर ब्लाइंडनेस का सिम्टम नहीं होगा, इसकी गैमेट बने। ठीक है, और इसकी गैमेट बन गए। अब देखिए, अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है जाके, तब ये कलर ब्लाइंड गर्ल है ना डेवलप होगी या बर्थ होगी। अगर ये इसको करता है फर्टिलाइज जाके, तो गर्ल कैसी हो गई? कलर ब्लाइंड कैरियर गर्ल, ये कैरियर गर्ल होगी, कलर ब्लाइंड इसकी कैरियर गर्ल। अगर ये वाई स्पर्म इसे फर्टिलाइज करता है तो ये कलर ब्लाइंड बॉय। मैंने सीबी लिखा, सीबी कलर ब्लाइंड, समझ जाए ना, सीबी कलर ब्लाइंड। और अगर इसको फर्टिलाइज करते हैं तो एक्स वाई ये नॉर्मल विजन का बॉय होगा, इसे कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो इस क्रॉस में हम देखते हैं तो 50% बॉय है, कैसे आ रहे हैं? कलर ब्लाइंड। और 50% गर्ल्स कैसी हैं? है ना, कलर ब्लाइंड पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसको 50 भी कह सकते हैं, 0.5 भी कह सकते हैं, 0.5। ओके, इसे कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इस तरह क्रॉस को हम कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मैन नॉर्मल है, देखिए मैन का विजन कैसा है? नॉर्मल विजन, मैन का विजन नॉर्मल है, तो इसका हो गया एक्स वाई। ठीक है, वोमेन, वोमेन जो है कलर ब्लाइंड, वोमेन कैसी है? कलर ब्लाइंड, एक्स एक्स दोनों बन जाएगा, तो इसका गैमेट बना एक्स, इसकी बनेंगे एक्स और वाई, दो तरह के गैमेट। अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है, देखिए एक्स एक्स इनका कैसे होगी? कैरियर, ये कैरियर गर्ल है, कैरियर गर्ल। और अगर इसको फर्टिलाइज करते हैं तो कलर ब्लाइंड बॉय, ये कलर ब्लाइंड बॉय होगा। ठीक है, अगर वुमेन कलर ब्लाइंड है तो उसके सन जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और देखिए, मैं कलर ब्लाइंड, वुमेन का विजन नॉर्मल है, अब के वुमेन का विजन कर रहे हैं नॉर्मल कर रहे हैं एक्स एक्स, तो इसके गैमेट एक्स होंगे, इसके दो तरह बनेंगे। ठीक है, इसका क्रॉस कराते देखें तो ये आया, देखिए एक्स, ये गर्ल कैसी होगी? कैरियर गर्ल, ये कैरियर कलर ब्लाइंड गर्ल। और वाई कैसा होगा? इसका सन नॉर्मल होगा, नॉर्मल विजन, वाई का या सन का विजन कैसा होगा? नॉर्मल। ठीक है, ये मेंडेलियन क्रॉस हम करा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, देखिए कैरियर गर्ल मोमेंट ले ली हमने, कलर ब्लाइंड मोमेंट ली नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि मैन नॉर्मल है विजन, वोमेन, देखिए इसको वोमेन को ऐसे शो करते हैं है ना, वोमेन कैरियर है। इसकी गैमेट बने एक्स वाई, इसके बने एक्स है, वोमेन कैसी है? कैरियर है। इसको इससे मिला दीजिए तो ये कैरियर, कैरियर
पहली कैरियर डॉटर, ये हो गई कैरियर डॉटर, ठीक है। इस पर सिमिलर दीजिए दूसरे को, ये नॉर्मल डॉटर, ठीक है। ये कैसी गर्ल होगी, नॉर्मल, इसको बना दें तो क्रग ब्रांड बॉय, ये क्रग ब्रांड बॉय होगा, ठीक है। और इसे मिला देंगे तो ये नॉर्मल बॉय। इस केस में हम देखें कि फादर का नॉर्मल विजन है, मदर हेट्रोजाइगस, मदर इज हेट्रोजाइगस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, मदर कलर ब्लाइंडनेस की हेट्रोजाइगस है, तब 50% गर्ल्स या 0.5% गर्ल्स कैरियर होंगी और 50% गर्ल्स नॉर्मल होंगी, 50% बॉयज कलर ब्लाइंड होंगे मतलब 0.5 और 50% बॉयज नॉर्मल होंगे। ये जो मैंने क्रॉस कराई है मेंडेलियन, एक क्रॉस हम है ना पुनेट स्क्वायर से कर देते हैं, पुनेट स्क्वायर जिसे कहते हैं चेकरबोर्ड, पुनेट स्क्वायर से करा के देखते हैं। देखिए मैन कलर ब्लाइंड, ठीक है, वोमैन कैरियर, हम चेकरबोर्ड बनाएंगे तो उसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए इधर मैन ले लिया हमने, इधर वोमैन, तो देखिए एक्स एक्स, ठीक है। और इसको देखिए, इसको इसमें मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे, ये कलर ब्लाइंड गर्ल, कलर ब्लाइंड बॉय, कैरियर गर्ल नॉर्मल बॉय। तो इसमें 0.5% कैसी गर्ल्स क्या वो डिजीज कलर ब्लाइंड गर्ल, ठीक है, और 50% गर्ल्स कैसी हैं है ना कैरियर, 50% कैरियर गर्ल। इसी तरह से बॉयज 50% या 5% कर दीजिए, कैसे हो गए इसमें 0.5% बॉय कलर ब्लाइंड और 0.5% ये बॉय नॉर्मल विजन के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हीमोफीलिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीमोफीलिया, HAEMOPHILIA, हीमोफीलिया को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था रॉयल फैमिली क्वीन विक्टोरिया में, क्वीन विक्टोरिया की रॉयल फैमिली में सबसे पहले हीमोफीलिया रिपोर्ट किया गया था। हीमोफीलिया एक्स सेक्स लिंक ट्रेट है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ब्लड लगातार बहता रहता है और लगातार ब्लड के लॉस होने पर डेथ हो जाती है। देखिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अगर 9 एब्सेंट है, क्रिसमस फैक्टर एब्सेंट है तो हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया 3 तरह का होता है, ए बी और सी। अगर फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट है तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट है तो हीमोफीलिया बी। ये दोनों हीमोफीलिया कैसे हैं, जेनेटिक हैं। एक होता है हीमोफीलिया सी अगर फैक्टर नंबर 11 एब्सेंट है। तो हीमोफीलिया एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। मैंने बताया था जितने भी एक्स सेक्स लिंक होते हैं सब रिसेसिव हैं, तो हीमोफीलिया इज आल्सो एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर। सबसे पहले किसमें रिपोर्ट हुआ था, ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं करता है और ब्लड क्लॉट ना करने पर डेथ हो जाती है। हीमोफीलिया के हम जीन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रिसेसिव होता है। हीमोफीलिक बॉय नहीं मिलते क्योंकि हीमोफीलिक बॉय की तो डेथ हो जाती है, हीमोफीलिक कैरियर वोमेन मिलती है ना, हीमोफीलिक कैरियर गर्ल्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक सवाल करके देखते हैं, अगर मान लीजिए हीमोफीलिया कैरियर गर्ल है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्स, ये हीमोफीलिया कैरियर गर्ल या हेट्रोजाइगस, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ये कहलाएगी हेट्रोजाइगस हीमोफीलिक गर्ल, ठीक है। मैन एक्स वाई, ठीक है, ये मैन, ठीक, इसका हम क्रॉस कराते हैं तो देखिए एक्स और एक्स, इसका क्रॉस कराया हमने
एक्स और वाई, ठीक है। अगली वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है जाके, तो एस एस ये गर्ल्स कैसी होगी, हिमोफिलिक कैरियर गर्ल, ये होगी हिमोफिलिक कैरियर गर्ल। देखिए ये हो जाएगी हिमोफिलिक कैरियर गर्ल, एस एच है ना, हिमोफिलिक क्या हो जाएगी, हिमोफिलिक कैरियर गर्ल, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको क्रॉस कराते हैं तो ये नॉर्मल गर्ल, ठीक है, इसका क्रॉस कराते हैं तो ये हीमोफिलिक बॉय होगा और इसकी क्या रहेगी, डेथ रहेगी, हीमोफिलिक बॉय और इसकी क्या रहेगी, डेथ रहेगी। और अगली मिलता है तो ये नॉर्मल बॉय होगा, इस केस में भी 50% बॉय है ना, कैसे है, हीमोफिलिक की पॉसिबिलिटी है, इसे पॉसिबिलिटी आती है, डेफिनेट नहीं, 50% बॉय में भी है ना, बॉय कैसे हो सकते हैं, मे बी हीमोफिलिक, ये हीमोफिलिक हो सकते हैं, ठीक है, और 50% बॉय नॉन हीमोफिलिक या नॉर्मल हो सकते हैं, 50% गर्ल्स या डॉटर कैरियर है और 50% गर्ल्स नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया हीमोफीलिया। नेक्स्ट है वाई सेक्स लिंक ट्रेट, देखिए वाई सेक्स लिंक ट्रेट, ऐसे सोमेटिक कैरेक्टर जिनके जीन्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स के है ना, वाई सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाई सेक्स लिंक जीन्स या वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर, और इन कैरेक्टर को हम होलोएंड्रिक कैरेक्टर भी कहते हैं और होलोएंड्रिक जीन भी कहते हैं, और ये कैरेक्टर है ना मेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं, मैन टू मैन है ना, मतलब फादर से सन में भी सन में, ऐसे जैसे फादर है फादर से फिर सन में और उसके बाद उसके सन में ट्रांसफर होता है, मेल टू मेल चलते हैं, ये होलो एंट्रिक जीन कहलाते हैं, होलो एंट्रिक जीन, ठीक है। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं, ये ईयर है, ये क्या है, ईयर, ठीक है, इस ईयर पे यहां पे हेयर होते हैं, ये क्या है, हेयर, हेयर हाइपर हाइपर ट्राइकोसिस ऑन पिन्ना, इसको पिन्ना बोलते हैं ना कान को, ये होलोएंड्रिक जीन का होता है, ये कैरेक्टर मेल टू मेल ट्रांसफर होता है, ये फीमेल में कभी नहीं मिलता, तो वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर इज नोन एज होलोएंड्रिक कैरेक्टर, और इसके जीन को कहते हैं होलोएंड्रिक जीन, डार्विन ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल, ये कभी भी फीमेल में नहीं जाता है। थर्ड टाइप है एक्स वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर, एक्स वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर, जीन्स ऑफ फ्यू सोमेटिक कैरेक्टर लोकेटेड ऑन होमोलोगस सेगमेंट ऑफ एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम्स एंड आल्सो इनहेरिटेड बाय देम, इसके एग्जांपल है नेफ्राइटिस और कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस। देखिए लास्ट का एक्स वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर है ना, जीन्स ऑफ फ्यू सोमेटिक कैरेक्टर लोकेटेड ऑन होमोलोगस सेगमेंट, होमोलोगस सेगमेंट ऑफ एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑल्सो इनहेरिटेड बाई देम, ठीक है, इन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं ये ऐसे सोमेटिक कैरेक्टर जिनके जीन्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम के होमोलोगस सेगमेंट पर होते हैं और इनके द्वारा इनहेरिटेड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं है ना, वो कैरेक्टर कहलाते हैं एक्स वाई सेक्स लिंक कैरेक्टर कहलाते हैं, जैसे कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस और नेफ्राइटिस। ओके थैंक यू, ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो गया। आप क्या पढ़ रहे थे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे है ना, सेक्स लिंक ट्रेट पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे सोमेटिक कैरेक्टर जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के होमोलोगस और नॉन होमोलोगस सेगमेंट पर पाए जाते हैं
और सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा इनहेरिटेड होते हैं उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर या सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं। ठीक, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस और हिमोफिलिया इसका एग्जाम्पल है जो कि आप स्टडी करते हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। विश ऑल द बेस्ट।